दिया हुआ है कि इन्होंने ऑरेंज कलर डाल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये हमारा शख्स है, हमारी पहचान है पूरे दुनिया के अंदर, और हमारे झंडे के साथ अगर ये सलूक किया जा रहा लगा हुआ है तो किसने इनके पूछना है? तो हमने इन्हीं चीज़ों को रेगुलेट करना है, प्राइस को रेगुलेट करना है, पेपर को रेगुलेट करना है, और ये जो मटेरियल इसके अंदर लिख रहे हैं ये हमने देखना है कि क्या ये नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है कोई, क्या अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है, दिफाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो नहीं है, क्या हमारी जग्राफियाई हदूद की वो अकासी कर रहे हैं नहीं कर रहे? वो अब जो मामलात हैं नामूस रसालत से मुतल्लिक है, खातम नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस से और उनकी नबूवत से मुतल्लिक मामलात हैं, ये सारे के सारे देखना हम लोगों की जिम्मेदारी के अंदर शामिल है। अब वो जो माफिया जो एजेंट हैं वो इस तरह की गैर मियारी किताबें बना के गैर मियारी उसके अंदर मवाद डाल रहे हैं, आयात का गलत तर्जमा और मफहूम कादियानियत को जो है वो परवान चढ़ाने लगे हुए हैं। तो हमने 2020 से इन लोगों को ये बात कही कि जनाब आप अपनी अपनी किताबों को रेगुलेट करवाएं, इनके एनओसी हासिल करें और उसके बाद आप अपना बिज़नेस करते जाएँ। तो 2020 से हम थ्रू प्रेस रिलीजेज मीडिया के थ्रू हम जा रहे हैं और बुक सेलर जितने भी ये बड़े होल सेलर्स हैं लाहौर कराची पेशावर से ले कर हमारे आज़ाद कश्मीर तक, हर बंदे को इस बात की इल्मियत है कि बगैर एनओसी वाली किताब अब आज़ाद कश्मीर की जुरिसडिक्शन के अंदर नहीं चल सकेगी। लेकिन ये वायलेशन पे वायलेशन कर रहे थे तो इसके लिए आज हमने इनका वो विज़िट किया है। अब ये देखें कि ये एक किताब है, ये 790 रुपये की ये प्रैक्टिकल कापी है। अब इसके अंदर आप ये देख लें कि ये एक ही रंग से इन्होंने ये फ्लो चार्ट सा बना के दे दिया है और ये गैर मियारी सफ़ा लगा रही है। इस किताब की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 300 रुपये से ऊपर नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये 790 रुपये की दे रहे हैं। इसके अलावा ग्रामर्स खाम खा की ग्रामर्स बेचने लगे हुए हैं, ग्रामर का कोई भी तल्लक नहीं है उसके साथ, हमारी किताबों के अंदर बिल्ट इन है। ये सिर्फ़ और सिर्फ सप्लीमेंट्री रीडिंग मटीरियल की तारीफ में आता है, ये बच्चे की वालदेन की स्वाबदीद है कि वो इससे इस्तफादा करें या ना करें। अगर कोई बच्चा कमज़ोर है और उसको समझ आती है कि मैं ग्रामर से इस्तफादा कर लूं तो फिर एनओसी वाला ग्रामर इनके पास होना चाहिए, जो कि इनके पास आज अवेलेबल नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जितनी भी नॉन एनओसी वाली प्रैक्टिकल नोटबुक्स ग्रामर और जितनी भी अदर टेक्स्ट बुक्स इनके पास थी वो हम इनकी जब्त कर रहे हैं।